हेलो ब्रोस्कल्स, तो स्वागत है आपका WWE 2K24 के 14 एपिसोड में। हाँ भाई हाँ, कल कैस्केड मैच था, बहुत बढ़िया मैच था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो भाई मैं आपके लिए आई बटन पर छोड़ दूंगा, आप जरूर देखना। फीड वर्सेस अंडरटेकर, विनर कौन था वो आप मैच में देख लेना, पर मैच बहुत बढ़िया था, बहुत तगड़ा मैच था। तो भाई आज का मैच है टीम ब्लड लाइन वर्सेस टीम अथॉरिटी, क्योंकि जैसे WWE के माहौल चल रहे हैं, ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स और जो सेथ रॉलिंस तो है ही, बीच में ट्रिपल एच को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। और वैसे भी जे उसो ने अनाउंस कर दिया ब्रदर वर्सेस ब्रदर, तो हम जिमी उसो और जे उसो को भी बीच में रख लिए है। तो भाई आज का भाई देखते हैं कितना तगड़ा जाएगा, कितना बढ़िया जाएगा। आप मुझे अभी अभी नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है, तो देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। तो भाई काफ़ी हाई स्टेक्स है इस मैच के। वैसे तो ये वाला मैच रियलिटी में नहीं होने वाला, टैग टीम होने वाला है, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस रॉक एंड रोमन रेंज। और कोडी रोड्स भैया आते ही एलिमिनेट हो गए। भाई साहब कोडी रोड्स भैया, आपसे इतनी उम्मीद थी, आपको टीम का कैप्टन बनाया था, आप आते ही एलिमिनेट हो गए। ऐसा काम करोगे तो भाई कैसा चलेगा। तो भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, आते ही एक तरफा मैच हो चुका है, ब्लड लाइन लीड पे आ गई है, आते ही कोडी रोड्स भैया तो आते ही निकल गए, और सेथ रॉलिंस को भी निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं रोमन रेंज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो भाई कोडी रोड्स के साथ तो बुरा हो ही गया है। अभी देखते हैं ये टीम कितना सर्वाइव करती है, कितनी देर सर्वाइव कर पाती है। वैसे तो सारे ही बढ़िया प्लेयर हैं टीम कोडी रोड्स में, रोमन रेंज कह रहा हूँ, सेथ रॉलिंस है, ट्रिपल एच है, जे उसो है, कोडी रोड्स भाई तो खुद तो निकल गए। पर अभी देखते हैं, कभी कभी होता है कि आते टीम कैप्टन निकल जाते हैं पर बाकी प्लेयर जो होते हैं वो भाई मैच को खींच लेते हैं, मैच को बचा लेते हैं। तो हो सकता है आज के मैच में भी कुछ ऐसा हो, पर जो कोडी रोड्स के साथ हुआ है वो तो बुरा हो ही गया। आप रॉ स्मैकडाउन फॉलो कर रहे हो साथ साथ में? भाई मैंने कल रॉ देखा था और लास्ट स्मैकडाउन देखा था, सिर्फ मेन ब्लड लाइन की स्टोरी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो भाई क्या बढ़िया स्टोरी चल रही है स्टोरी लाइन। भाई जब से वो कोडी रोड्स ने थप्पड़ मारा है ना रॉ को, तब से स्टेक इतने ज़्यादा हाई हो गए ना उस मैच के कि भाई क्या बताएं, बहुत तगड़े लेवल के स्टेक चलेंगे इस मैच के। भाई बढ़िया है, ट्रिपल एच ने आते ही पेडिग्री दे दिया है भाई रोमन रेंज को। एक्सपीरियंस ही होता है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भाई हमेशा एक्सपीरियंस के साथ ही बोलता है। रोमन रेंज ने जहाँ कोडी को आते निकाल दिया, वहाँ ट्रिपल एच भाई फेल रहा है। तो भाई मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं टू बी ऑनेस्टली बताऊँ, ये मैच में मैं किसी एक टीम को पिक करता हूँ तो भाई दूसरी कभी कभी जीत जाती है, तो कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता। जो भी जीतेगी जीतेगी, जिसकी किस्मत अच्छी है टीम की वो टीम जीत जाएगी। और ट्रिपल एच भैया दूसरा पेडिग्री दे दिया है रोमन रेंज को। एक तरफ कोडी रोड्स है जो एक ही फिनिशर में निकल गए, एक तरफ रोमन रेंज है जो भाई दो दो फिनिशर में नहीं जा रहे। तो भाई आप देख लो ये बंदा कितने बढ़िया लेवल पे चल रहा है। ये उसो को टैग मिला है, पिछली बार जब ये दंगल में आए थे, अगर आपने दंगल सीरीज नहीं देखी तो आप फॉलो कर सकते हो, मेरा चैनल खोलो, उसमें प्लेलिस्ट है दंगल, आपको पता चल जाएगा। दंगल में भाई ये जे उसो बंदा फिनिशर नहीं लगाता था, शुक्र है आज इसने फिनिशर लगाया, बढ़िया है कि फिनिशर लगा दिया है। और रोमन रेंज ब्लड लाइन के कैप्टन द ट्राइबल चीफ भी एलिमिनेट हो गए आफ्टर 3 फिनिशर। तो भाई तगड़ी बात है, बढ़िया बात है कि एलिमिनेट हो रहे हैं बंदे, अच्छी बात है भाई। मैच की पेस अच्छी है, जिमी एंड जे उसो आ गए लाइन पे, भाई ये तो तगड़ी चीज़ है, तगड़ी चीज़ हो रही है इस मैच में। आप बस ऐसे ही प्यार दो यार, मैं देख रहा हूँ आजकल व्यूज़ कम हो गए, लाइक्स कम हो गए, कमेंट्स भी कम हो गए, मुझे लग रहा है कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग देखना बंद कर गए, आई डोंट नो कौन से लोग हैं, ढूंढ के लाओ यार उन लोगों को वापस, आ चले गए। तो भाई आज का मैच की पेस अच्छी चल रही है, अरीना रेसलमेनिया 40 का नहीं है तो रेसलमेनिया 31 का लगा दिया हमने, वन ऑफ माय फेवरेट रेसलमेनिया। भाई क्या एपिक मूवमेंट थे इस रेसलमेनिया पे सेथ रॉलिंस ने हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी करी थी, आरकेओ द बिगेस्ट आरकेओ इसमें डिलीवर करी थी रैंडी ऑर्टन ने, पता नहीं और कौन कौन से तगड़े तगड़े मूवमेंट थे इस रेसलमेनिया में, वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया थी। और ये पहली रेसलमेनिया थी जो दोपहर से शुरू हुई थी और दोपहर में मतलब आउटडोर थी, जिसका कोई ऊपर वो नहीं था, छत नहीं थी जिस अरीना में। तो भाई बड़ी मतलब बढ़िया चीज़ थी। आप अगर देखो तो ये रेसलमेनिया को हुए कम से कम 9 साल हो चुके हैं, पर अगर याद करो ना तो इसके काफ़ी ऐसे मूवमेंट है जो अभी तक याद है, मतलब आप देख लो कि कितना बढ़िया था, कितना कुछ। तो अभी भाई टाइम निकल जाता है, क्या करें, तब इतना शौक था रेसलिंग देखने का, अभी भी है, पर तब की स्टोरी लाइन में और अब की स्टोरी लाइन में फर्क आ गया भाई। जिमी उसो जे उसो कब से स्पेयर डालने लगा भाई, गेम में जे उसो को स्पेयर मिल गई
और जिमी उसमें भैया भी एलिमिनेट हो गए भाई। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैच का पेस कब चेंज हो जाए, यू नेवर नो। जे उसो ने भाई जिमी उसो को भी एलिमिनेट कर दिया और यहाँ पे अब दो ही बंदे बच गए हैं, द रॉक एंड सोलो सिकोवा द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। तो भाई जे उसो फेल रहे बुरी तरह सोलो सिकोवा को। तो भाई अब भी मुझे लग रहे हैं कि हाई स्टेक्स तो टीम कोडी की ही है, तो टीम अथॉरिटी की ही है, टीम कोडी कहाँ है, टीम अथॉरिटी है। तो टीम अथॉरिटी हो सकता है जीत जाए रॉक के अगेंस्ट। ट्रिपल एच को इसलिए मैं लेके आया क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स जो है और थोड़े बहुत रहे हैं, और ये वैसे भी ग्रेटेस्ट राइवल्स रहे हैं एक दूसरे के, ट्रिपल एच और द रॉक। तो भाई इसलिए रॉक के अगेंस्ट ट्रिपल एच को मैं दूसरी टीम में लेके आया हूँ। और ट्रिपल एच क्या बढ़िया डिलीवर कर रहे हैं मैच में भाई, पेल रहे हैं, जब भी आ रहे पेल ही रहे, बढ़िया चल रहा है मैच। अभी उम्मीद तो यही है कि टीम अथॉरिटी जीत सकती है, बाकी कुछ पता नहीं, यू नेवर नो क्या होने वाला है। आप मुझे ये बताओ आप रेसलमेनिया के लिए कितने एक्साइटेड हो? सोलो सिकोवा तो बस अब एलिमिनेट मुझे लगता होने वाले हैं, आई थिंक रेजिलेंसी पे जा गए सोलो सिकोवा का। अगर सोलो सिकोवा के पास रेजिलेंसी ना होती तो शायद सोलो सिकोवा अभी एलिमिनेट हो जाते, जो अकेले रॉक ही बच जाते। अभी फिलहाल के लिए सोलो सिकोवा है इस मैच में। तो भाई मैच की बेस काफ़ी बढ़िया शुरू हुई थी, अब पूरी तरह टीम अथॉरिटी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, पहले ब्लड लाइन की तरफ थी, अब कोई पता नहीं कब फिर से ब्लड लाइन पे शिफ्ट हो जाए, यू नेवर रियली नो। सेथ रॉलिंस भैया स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद टैग नहीं दिया, रॉक को पहली बार टैग मिल रहा है, रॉक भैया पहली बार आ रहे हैं, रॉक भैया के पास दो दो फिनिशर हैं और कोशिश तो यही करेंगे कि आधे फिनिशर लगाते, पर ट्रिपल एच ने जो अपर हैंड बना के रखा तब से ट्रिपल एच किसी का मूव नहीं खा रहे भाई। और मुझे रॉक के साथ यार एक प्रॉब्लम है कि भाई इतना बढ़िया इसके अटायर, मतलब इसका टैटू है ना यहाँ, आप पिछले मतलब 3-4 साल हो गए मुझे लगता है 2020 से पहले का बनवाया है रॉक ने टैटू, तो अभी तक वो मॉडल नहीं लेके आया, अभी तक नया मॉडल स्कैन ही नहीं करा रॉक का। तो भाई ये बात गलत है, आप मॉडल स्कैन करो, रॉक को लेके आओ, नया मॉडल लेके आओ, नया टैटू लेके आओ, क्या कर रहे हो आप लोग, ये गलत बात है यार। तो भाई वो टैटू आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आ रहा, उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो भगवान जाने, पर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं तो चाहता हूँ कि वो आ जाना चाहिए। और इस बार गेम में ना गेम के मैकेनिक्स तो अच्छे हैं ही, गेम की फिजिक्स बहुत अच्छी है, मुझे गेम की फिजिक्स अच्छी लगी है, लाइटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे गेम की, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्टेमिना सिस्टम आया है और दो चार चीज़ें आई है जो थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देती है गेम में। और अभी मैच की पेस पूरी टीम अथॉरिटी के पास है, ट्रिपल एच पता नहीं क्या कर रहे हैं, आके खड़े हो रहे हैं रिंग में, कर कुछ रहे नहीं है। और इसमें ये देखो टॉगल इन्फो आया है, मतलब इसमें मैं कैमरा चेंज कर सकता हूँ, ड्यूरिंग मैच करा नहीं है मैंने क्योंकि फिर वो एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं, गंदे गंदे एंगल आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या वीडियो देखने का मजा नहीं आया, तो इसलिए मैंने वो करे नहीं है इतने ज़्यादा। पर आप ये देखो कि हाँ मैं आपको सच एक, अरे भाई साहब जे उसो को पहला फिनिशर, फिलहाल के लिए पहला फिनिशर लग चुका है द रॉक का, क्या जे उसो पिन आउट करेंगे? अरे भाई साहब जे उसो के साथ जो धोखा हो गया है ना, रेफरी ने भाई देखा ही नहीं कि जे उसो ने रॉक पकड़ लिया है भाई, ये बड़ा होता है कभी कभी, ये भी एक रियलिस्टिक एंगल लगता है कभी कभी कि रेफरी इग्नोर कर जाते हैं या रेफरी को पता नहीं लगता। और ट्रिपल एच ने रॉक को दे दिया है उसका पहला फिनिशर भाई, रॉक ने ब्लॉक कर दिया, रॉक इज ऑन फायर, ही इज अ बॉस नाउ, ही इज अ बॉस। तो भाई जो बॉस बंदा है वो तो भाई कुछ भी कर सकता है, पर अभी देखो ये मैच की पेस कैसी जाती है, अब एक एक लेवल पे मैच आ गया, दोनों टीम में दो दो प्लेयर ही बच गए, हालांकि जे उसो के साथ धक्का हुआ है, बुरा हो गया जे उसो के साथ, पर अब क्या कर सकते हैं, जे उसो की किस्मत अगर बुरी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो भाई द रॉक नीचे ही पेल रहे ट्रिपल एच को, मुझे लगता है जैसे ही ट्रिपल एच के हालात चल रहे हैं ट्रिपल एच का ऐसे ही ना एलिमिनेट हो जाए। अभी आई थिंक दूसरा फिनिशर लग चुका है ट्रिपल एच को शायद, मुझे याद नहीं है कि इसको पहले फिनिशर लगा है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से ये दूसरा फिनिशर लग चुका है अब तक का ट्रिपल एच को। तो भाई काउंट आउट करवा रहे और रॉक दूसरे फिनिशर के लिए जा रहे हैं सीधा, ट्रिपल एच को दो दो फिनिशर लगा के ट्रिपल एच को रिंग के बाहर ही एलिमिनेट कर दिया द रॉक ने। तो सिर्फ सेथ फ्रिकन रॉलिंस बचे हैं इस मैच में, तो अब मुझे नहीं पता सेथ फ्रिकन रॉलिंस इस मैच में कितनी देर टिकते हैं, कितनी देर इस मैच को बचा पाते हैं, रेजिलेंसी है सेथ रॉलिंस के पास, अगर पिन नहीं भी छुड़वाते तो रेजिलेंसी भी छुड़वा लेंगे, पर अभी फिलहाल पहला ही फिनिशर लगा तो भाई सेथ रॉलिंस फिलहाल तो बच गए हैं। भाई काफ़ी हाई स्टेक्स पे मैच आ गया है, काफ़ी मतलब आप
तो देखो कि मैच की शुरुआत कैसी हुई थी। मैच मिडिल में बिल्कुल अथॉरिटी की तरफ आ गया था, अब फिर से ब्लड लाइन की तरफ आ गया। मतलब देख लो अथॉरिटी के सिर्फ सेथ रॉलिंस बचे। अब सेथ रॉलिंस पे डिपेंड करता है कि वो इस टीम में से इस टीम को कैसे बचाते हैं ब्लड लाइन से। अभी सोलो सिकोवा स्टंड है, रॉक रिंग में वेट कर रहे हैं, रिंग में आने नहीं दे रहे सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस के पास सिर्फ एक फिनिशर है और रेजिलेंसी, और रॉक पूरा उड़ उड़ के मार रहे हैं भाई, कभी इधर से मार रहे हैं कभी उधर से मार रहे हैं। और रॉक मुझे नहीं लगता अब टैग देने वाले हैं अपना सोलो सिकोवा को, जितनी अच्छी इन्होंने मोमेंटम बना के रखा है। पर वैसे फिनिशर नहीं है रॉक के पास, तो ये बढ़िया किया कि सोलो सिकोवा को टैग दे दिया, क्योंकि फिनिशर था नहीं, अब तो फिनिशर के बिना फिर लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सेथ रॉलिंस के पास एक फिनिशर है और सोलो सिकोवा फिनिशर के लिए गए थे, जो कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने ब्लॉक करके उसको चीर कर दिया कॉम स्टॉम में। और इसी के साथ सोलो सिकोवा भी एलिमिनेट हो गए और दोनों टीम फिर से एक लेवल पे आ गई, एक एक प्लेयर ही बच गए दोनों टीम के। जो भी प्लेयर, जो भी सुपरस्टार पहले फिनिशर लगा गया वो टीम जीत जाएगी। तो अभी अभी बस हाई स्टेक्स पे मैच है, मुझे जल्दी जल्दी आप बता दो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, टीम ब्लड लाइन जीतेगी या टीम अथॉरिटी जीतेगी। मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, दोनों के पास एक एक फिनिशर है, एक सिग्नेचर भी दोनों के पास ऑलमोस्ट है ही, आने ही वाला है मतलब। और रॉक ने अपना सिग्नेचर लगा के गिरा दिया है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को। क्या ये पिन होगा? मुझे लगता है ये पिन हो जाएगा, पर रेजिलेंसी भी है। सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने रेजिलेंसी नहीं यूज़ करी और इसी के साथ टीम ब्लड लाइन आज का मैच जीत चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और भाई कल से माय राइस शुरू करने वाला हूँ मैं, आप इंटरेस्टेड हो माय राइस में कि नहीं? अगर आप माय राइस में इंटरेस्टेड हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ यस माय राइस, बस इतना ही लिखना है यस माय राइस। तो कल से हम माय राइस वैसे भी शुरू करने वाले हैं।